सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर श्र बलिदा भोल सांचे दरबार के जय श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड कौमारी रूप संस्थान नारायणी नमोस्तुते।
शंख चक्र गदाचारिभृत परमायुध प्रसीद वैष्णवी रूप नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्र कृष्णोधृतवसुन्धर वराह रूपिणी शिव नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यासृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायणी नमोस्तुते कीर्तिनी महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वल वृत्र प्राण हरे चंद्र नारायणी नमोस्तुते शिवज्योति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड्र मथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महावित्र शब्द पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मृधे सरस्वती भरे भूतिभ्र प्रभृतामसि नीते त्वम्भसि देशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयमस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते पदनं सम्यम् लोचनात्रयभूषितम् पादुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषसुसूसनम् त्रिशूलम् वातनोभीतभद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यजगत् साघण्टा पादनो देवी पाप्येभ्यो नासुसानिव अनुरादृगमसाभङ्गर्जितस्य खलच्छुरः शुभाय खलतो भवतो चण्डिके त्वामृता भयम् रोगानशेषा नमः सुतुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयताम् प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कथनं त्वयाद्य धर्मादृशां देवि महासुराणां रूपे अनेकैर्बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वा विजयतत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगा त्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्राग्रविशाश्वलाघा यत्रारयोदशवलानि यत्र दावानलो यत्र दशाधिवध्ये तत्र सुदातौ परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाशया ये वैभक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयनोरिभीत नित्यं यथा सुरधाद्यधुनैव सद्यः पापाणि सर्वजगता प्रथमन्नयाशु उत्पादमाकयणिताश्च महोपसर्गा प्रदानप्रसीदत्वं देवि विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिते लोकानापरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगण वरं जन्मलधर्षथ तं वृणद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाहूचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसाखलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वलहरिविनाशनम् देव्योवाच
वैवस्वतरे प्राप्त अष्टाविंशति मे युगे शुंभ नृशुंभ सेवाणे महागुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तदसौराजरेश्यामे विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरत्रेण रूपेण मृतभीतले अवतीर्य हरिश्यामे वैपलिता सुदानवान् वर्ष्यन्दाशदानुग्राणवैपलितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमे कुसुमोपमाः ततो मा देवताः स्वर्गमर्तलोके च मानवाः सुबन्धो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च सर्ववाशिक्या मना वृक्षा मनभसि मुनिभिः संसुता भूमा सम्भविष्यामि ज्वालया पदाशलेन नेत्राणामेक्षिष्यामि यन्मुनीन् ईदयिष्यन्ति मनुजः शताक्षेमिति मा ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवेः भरिष्यामि सुराशागैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीत विख्यातं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीत विख्यातं तन्मेलाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनिनाकारणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमा देवेत विख्यातं तन्मेलाम भविष्यति यदारुणाख्यस्य लोके महाभागं करिष्यति तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा सङ्घय षट्फलम् त्रैलोक्यस्य सार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रमरीति च बालोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा भाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदिल्याहं करिष्यामि संशय सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी गर्भवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से
जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होती ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युत् धाम सम प्रभा प्रजापति स्कन्धस्थिता भीषण कन्या विकर भागखेत विलस हस्ताभिरासे हस्ते शक्र गदा शिखेत विशिखा सापं दुनं दर्जने बिभ्रामलात्मिकां शशिधरां दुर्गां सुनेत्रां भजे ॐ दद्युवाच देवेशवेशमान्यतम सौजलयः समाहितः रक्षाहं सकलां भादां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् हेतुयिष्यन्तर्भगवदं शुम्भनशुम्भयोः अशम्भ्यां च चतुर्दश नवम्यां चैक चैतसः शोषन्ति च वये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं जञ्जे दुष्कृतोत्था न च पदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैष्टवियोजनम् शत्रुता न भयं तस्य दक्षिणो वा न राजनः न सत्सनतो योगाच्छदा च सम्भविष्यति तस्मान्मवेदन्माहात्म्यं पठेदभ्यं समाहितैः श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्यात् ओसर्गानशेषासो महामारे सफलभवान् तथा त्रैवदमुत्पाता माहात्म्यं शमय मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायातने मम तदा नादस्य मोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रधाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमवेदचरितमुच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिष्ठिष्यामहं प्रीत्यामन्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी दक्षामवेदमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वा बाधा भजन्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वामवेदमाहात्म्यं तथा चोपत्यः शुभाः पराक्रमं युद्धेषु जायते निर्वहापमान् त्रिभुवः सङ्ख्यं गान्ध कल्याणं च भवद्यते नन्दते च कुलपुंसामहात्म्यमव शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने गृहपीडासु शोकासु माहात्म्यं श्रूयान् मम उपसर्गः शमयाते गृहपीडासु धारुणाः दुःस्वप्नं च देहदुष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातवेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वमवेदमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश गन्धदीपेस्तवोत्तमैः द्विप्राणाभोजनैर्भोगः प्रोक्षदीयम् अन्ये च भवितैर्भोगः प्रदाने वत्सलेया प्रीतिमे क्रेते सासुसकृतो चरितैषुधे श्रुतमहति पापानि तथारोग्यं प्रियच्छति
रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु च तं जन्मे दुश्चैत्यनिवारणम् तस्मिन् सुतेभ्यं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः सुतयो जाच ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सुप्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाग्निपरिवारितः दशभिर्भावितः शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिन्धुयात्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन च जप्यो मध्यो वन्दाग्रतोऽपि वा आघोणितो वा पातेन सदः पोते महाण्डवे पदसंशापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशधारुणे सर्वाभासासु घोरासु वेदनाभिरुद्धोऽपि वा समर्णमय दशरथं नरामश्चेत् सङ्गणात् मां प्राहवा सङ्घाजादस्य वो वैरेण सदा धूरादेव मलायन्द्र स्मरसरितां मम ऋषुर्वाच इत्युक्ता सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवान तत्र वान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराणि सापुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविहतादयः देत्याश देव्या निहत शुम्भदेवयुधि ज्ञानविद्वत्समेतस्मै महोदयतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवे सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् विश्वं देव विश्वं प्रसूयते सा जायता च विज्ञानं तुष्टा विद्यं प्रयच्छति ज्ञातं सकलं ब्रह्माणं मनुजेश्वर महाकाल्य महाकाल महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्या भूतानां सेवकाले सनातने भवकालेणां सेवा लक्ष्मीर्विद्धिप्रदायः सेवाभावे तदा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तदा ददादिवित्ता मुद्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा अत्सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं न कृला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठपात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिसुयतरं देवी देवानामधुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो नीव पार्वती मारणमोहनवश्यं सम्भणोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका सत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ॐ ग्लूं हूं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ज्वलहं शं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दने नमः केतवहारिण्यै नमस्ते महिषासने नमस्ते शुभहं त्रैचाणशुम्भासुरधातने जाग्रतमिहि महादेवि यमं सिद्धं गुरुशमे हृङ्गारे सृष्टिरूपाय हृङ्गारे प्रतिपालिका ऐन्द्राये कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते कामुण्डा चण्डघाते च जैकारे वरदायिने विच्चे चाभयता नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रोजटे पद्मे ह्रां ह्रीं गों गागधेश्वरे ह्रां ह्रीं ह्रों गालिका देवे शां ह्रीं ह्रों मे शुभं गुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 भनाधिने
ब्रह्म ह्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवन्ने ते नमो नमः अंगं जंगं दंगं यं शं ह्रीं गों गें ह्रीं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा स्वां ह्रीं भ्रूं पार्वते पूर्णा थां ह्रीं भ्रूं क्षेत्रे तथा सां ह्रीं भ्रूं सप्तशते देव्या मन्त्रसिद्धं गुरुषु मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागति हेतवे अवत्यैरेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशते पठे नातस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यथा नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपाररविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि
Oh,
सद्बुद्धि देन वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। अद्भुत शक्ति होती है। वास्तव में जो भक्त जन इस प्रकार से सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से इस माँ भगवत की शरण धोकर के माँ भगवत की भक्ति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं। बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है। इस संसार में
बैस्मत सुखों का भोग करते हुए अंत उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने कल्याण चाहते हैं उन्हें सदा सर्वदा माँ भगवती की शरणागत होकर के इस माँ भगवती कल्याणमयी देवी की पूजा, माँ की आराधना, माँ की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। भक्ति से ही पापों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, जीवन यात्रा जो है ये सुखद बनी रहती है, आत्म सुख आत्म शांति जो है ये प्राप्त होती है। और इस प्रकार से जो भक्तजन जो है धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना पूजा करते, माँ की भक्ति करते हैं, उन शरणार्थ भक्तों पर इस माँ जगजननी आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और माँ की कृपा से वास्तव में जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है उनके जीवन कभी किसी प्रकार की कमी रहती ही नहीं। माता महाकाली जो शरणार्थ भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोग से मुक्ति देती है। माँ लक्ष्मी माँ वैष्णवी जो माँ भगवती जो है धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, सर्वत्र जो भक्तों का मंगल मंगल करती है। और माता महासरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो इस प्रकार जिन भक्तों पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है, ये तीनों शक्ति जो है इन तीनों शक्तियों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी आती नहीं। कि भगवती जो है शारीरिक शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन शक्ति जो है मनुष्य का शरीर जो तंदुरुस्त हो, निरोगी हो, धन लक्ष्मी की कृपा हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो जो है वह साधक जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, इन तीनों मातों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इन देव पिंड के साथ नतमस्तक होते हैं, माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और इन तीनों मातों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और तीनों माता जो है उन शरणार्थ भक्तों को प्रसन्नता पूर्वक हृदय से वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों की मनोबल सिद्ध कामना जो है पूर्ण होती है। अब जो भी भक्तजन जो मन की कामना लेकर के माँ के दरबार में आते हैं, माँ के आशीर्वाद से उनके वह समस्त मनोरथ जो है वह पूर्ण होते। बोले सच्चे दरबार की जय। तो भक्ति में जो है आंख और कान जो है ये दो प्रमुख अंग है। आंख और कान जो है ये दो जो है ये प्रमुख अंग हैं। आंख और कान जो है जब बिगड़ जाते हैं तब भक्ति में विघ्न आते हैं। तभी भक्ति में जो विघ्न आते हैं आंख और कान जो जब बिगड़ते हैं, कान में जो है जब जो है आपको ऐसे बुरे शब्द सुनेंगे, आंख से जो ऐसा बुरा चित्र को ऐसा कुछ देखेंगे, तो जब आंख बिगड़ेंगे कान बिगड़ेंगे तो व्यक्ति का मन भी बिगड़ेगा, फिर उसके विचार बिगड़ेंगे, बुद्धि बिगड़ेगी। और जब जो सब बिगड़ेगा तब ना ये उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। इसलिए कहा है कि इन आंखों से भगवान के दर्शन करें, संत दर्शन करें, कानों से जो माँ भगवती का गुणगान सुने, भगवान की आराधना जो करें, भगवान का गुणगान सुने, भगवान की भक्ति करें, भजन करें, भजन सुने, तो इससे जो ही कान और नेत्र जो है आंख जो है जो दोनों जब पवित्र रहेंगे तो जो है व्यक्ति का जो है मन पवित्र होगा, उसके विचार पवित्र होंगे, उसकी बुद्धि पवित्र बनी रहेगी और उसका जीवन जो है परम पवित्र हो जाएगा। यही दो अंग हैं। और जहां पर जब विकृति आएगी तो ही व्यक्ति का मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, जीवन ही बिगड़ जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि मनुष्य को जो है, क्योंकि जो भक्ति जो होती है भक्ति से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है। कानों से जो है जब जब काम जो है खराब शब्द सुनते हैं तो कान बिगड़ते हैं, आंखों से कोई ऐसे चित्र देखते हैं आंख बिगड़ती है, इसलिए कानों से भद्र अच्छा सुने शुभ सुने।
नेत्र से भगवान के दर्शन करें, भगवान का स्मरण करते हुए आप कहीं बैठे हुए हैं भगवत का स्मरण करें, जो आपके देव है उसका खूब भक्ति करें। और भक्ति करने से पापों का नाश होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है वो जगजन जत माता का दर्शन दर्शन करने से, भगवान की भक्ति करने से, कथा श्रवण करने से, सत्संग करने से, तीर्थ यात्रा करने से ही पापों का नाश होता है और मनुष्य का जीवन जो है वह सफल होता है। तो इस प्रकार से कथा श्रवण करना, पूजन करना, भगवान का ध्यान करना, जप करना, इससे पापों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है। और जो है कैसा भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, इस प्रकार जब व्यक्ति जो है निष्काम भाव से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ का ध्यान करता है, माँ का स्मरण करता है, कोई भी मंत्र लेकर के किसी मंत्र को जो है अपने हृदय में ध्यान करके उसी द्वारा जब करते हैं, उसी से सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसका बिगड़ा हुआ जीवन सुधर जाता है। उसे सब ओर से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। और जो ये मन की कामना करता है उसकी सब मनोरक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है। और इसलिए व्यक्ति जो हमेशा जो है जो अपना कल्याण चाहते हैं उसे जो है, क्योंकि जो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बट 84 लाख जोनि भोगने पर जो है ये मनुष्य शरीर प्राप्त होते हैं। और यही एक साधन है जिसके द्वारा साधना कर करके हम अपना जो है कल्याण कर सकते हैं। इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूं श्रीमद् भागवत का। कहते हैं कि एक बार आत्मदेव जो है यही तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था जो वहां पर निवास करता था। धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार के सुख थे, परंतु संतान नहीं थी। बड़ा दुखी रहता था कि मेरे घर में संतान हो, संतान सुख की प्राप्ति हो, सब कुछ था। एक दिन इतना दुखी हो गया कि मन में ऐसा संकल्प ले लिया, आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। घर से निकला, बन के ऊपर स्नान किया, तो वन में जाते ही सामने से एक संत महाराज जी के दर्शन हो गए। संत महाराज जी के दर्शन हुए और संत को प्रणाम किया, संत महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया। संत वह सामान्य संत नहीं थे, बड़े तपस्वी थे। और उनका भी ऐसा निजम था संत महाराज जी का कि 5 घरों में ही ऐसे सन्यासी थे कि 5 घरों से ही वे भिक्षा मांगते थे और जो मिलता था उसको भी गंगा में डिबो करके उसका रस जो है माँ गंगा को समर्पित कर देते और फिर जिस रस रहित जो है वह अन्न जो था एक समय ग्रहण करते और भगवान की भक्ति करते। जिस स्वाद जो होता रस जो होता है जीवी भक्ति में विघ्न करता है, तब भक्ति इतनी आसान नहीं होती। कोई भी कार्य आप करते हैं उसे परिश्रम होता है, भक्ति बड़े विघ्न आते हैं, बड़े कष्ट आते हैं। और जो जो है दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जिसने उसे अपनाना है वह भी हिला ला करके देखता है कि भक्त सच्चा है कि जहां झूठा है, कच्चा है जहां पक्का है, बीच में कहीं भाग ना जाए। तो इस प्रकार से अब भाई संत महाराज जी इस प्रकार ऐसी साधना करते थे। तब जो है संत महाराज ने उससे कहा कि ब्राह्मण आप आए हैं, प्रणाम किया, आप बैठी आसन दिए बिठाया, भोजन का समय है, मुझे लग रहा है दोपहर का समय हो चुका है, आपको भूख लगी है, आप पहले अन्न ग्रहण कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपकी बात सुनूंगा। उसने कहा महाराज घर में अन्न की कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। तब उसने कहा पहले आप अन्न ग्रहण कीजिए। कहते भोजन करवाया उसको, फिर कहा बतलाइए। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे संतान सुख नहीं है, अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मेरे घर में कोई दीवा जलाने वाला नहीं, मेरा जो पिंड श्राद्ध कौन करेगा, महाराज मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे जो है वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्त हो। उसने कहा देखो परमात्मा जो है जिसे जिस स्थिति में रखे उसी में
संतोष करना चाहिए जिस हाल में, और खूब भक्ति करो तो अपना जीवन सफल कर ले, तो सब क्या चिंता करता है। एक कलयुग का पुत्र आपका पिंड दान होता क्या है पहले, जो पिंड शरीर को कहते हैं, और पिंड को भगवान के चरण समर्पित कर देना है। अब वैष्णव देखते हैं गले में कंठी जो डाली होती है, तुलसी माला डाली होती है, तो तुलसी माला डाली होती है उसका यही अर्थ होता है कि उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण के समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति करो, भजन करो, अपना जीवन सफल करो। तो कहते नहीं इस ज्ञान से मुझे संतुष्टि नहीं, बहुत ज्ञान दिया संत महाराज ने उसको, अंत उसने कहा कि मुझे इस ज्ञान से संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। और इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके चरणों में मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। संत महाराज ने कहा देखो तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, ऐसे ठीक है, संतान सुख नहीं है, तेरे भाग्य में पुत्र है नहीं। तब उसने कहा देखो मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो अपने भाग्य से मुझे दीजिए, तुम्हारा भाग्य तो है ना, अपने भाग्य से मुझे दीजिए, आप संत हैं, तपस्वी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मुझे संतान चाहिए। कहले संतान सुख नहीं है, मैं सुख हो चाहे दुख हो कुछ भी हो मुझे तो पुत्र चाहिए। बार बार कहने पर भी उसने कहा, तब संत महाराज को दया आई और उसने कहा कि ठीक है। संत महाराज ने फल लिया और फल जो से दिया इसे ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और गर्भ रहेगा, तेरे घर में संतान होगी। परंतु भगवान की भक्ति करना, भजन करना, आपकी धर्मपत्नी गर्भवती होगी, दोनों पवित्र जीवन जीना, पति पत्नी भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना, तुम्हारी संतान जो है ज्ञानवान होगी, तुम्हारी संतान जो आज्ञाकारी होगी, तुम्हारी सेवा करने वाली होगी। इसलिए इससे संत महाराज ने शिक्षा दी है कि जब माताएं गर्भवती होती हैं उस समय पवित्र जीवन जिए, भगवान की साधना करें, जिससे संतान ज्ञानवान होती है, माता पिता की आज्ञाकारी होती है, माता पिता की सेवा करने वाली होती है, समाज की सेवा करने वाली होती है, दुराचारी नहीं होती। ये भक्ति का फल होता है। संत महाराज जी फल ग्रहण किया, घर आया और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। कहा संत महाराज ने फल दिया है, इसे ग्रहण करो, इसको खा लेना। महाराज ने कहा है आपके घर संतान होगी, आपके घर में पुत्र होगा। पत्नी को फल खिलाया नहीं, दिया। जब फल दिया तो धुंधल ने कहा ठीक है आप जाइए, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में खा लूंगी। तो फल देख करके चला गया अपने कार्य के लिए। और जो है धुंधली विचार करने लगी, अब मैं इसको फल को खाऊंगी, संत ने दिया है, कहीं अगर मुझे गर्भ रह गया तो 9 महीने कष्ट में रहना पड़ेगा, फिर बच्चे का पालन पोषण करना कितना परिश्रम होता है। उसकी छोटी बहन वहां पर आई थी, उसे बात बतलाए तो उसने कहा बहन तो चिंता मत कर, मुझे कुछ धन दे दे, मैं गर्भवती हूं, मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी और जो है उसको पाल पोष भी दूंगी, आप सिर्फ नाटक कर देना मैं गर्भवती होगी, नाटक कर देना। तो उसने कहा जी फल गाय को खिला दो। फल गाय को खिला दिया और स्वयं जो है नाटक लिए बैठ गए बिस्तर पे। अब जो चला जी भागवती कथा में आप दृष्टांत दे रहा हूं कि अब जो है कुछ समय के उपरांत जो है अब उसने कह दिया मेरे बालक हो गया है। तब जो है आत्मदेव जो है उस स्नान करके उस बालक के दर्शन करने के लिए आए, बालक को देखा तो उसको संशय हुआ, ये बालक एक दिन का नहीं है, अभी का पैदा हुआ नहीं है, ये तो 2-3 महीने का लगता है। उसने कहा ये बालक लग नहीं रहा कि ये एक दिन का है, ये तो ऐसे लगता है 2-3 महीने का है। तो उस धुंधली ने कहा क्या बात करते हो, संत महाराज ने फल दिया है, जे उस फल स्वरूप जे उन्होंने जे दिए है ऐसा
ये संभव हो सकता है कि बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया, तो उसको यकीन दिला दिया, और जब समय पूरा हुआ तो गौ माता के भी बालक हुआ। बालक क्या हुआ? शरीर मनुष्य का और कान गौ के, जिसका नाम जो था आत्मदेव ने गोकर्ण रखा, उसका नाम गोकर्ण रखा। और जो है आप धुंधली ने कहा, ये बालक मेरा, मैंने इसको जन्म दिया है, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधुकारी रख दो, धुंधुकारी, ऐसा उसका नाम रखा। अब बालक बड़े हुए, उधर गोकर्ण भी बड़ा हुआ इस धुंधुकारी, और धुंधुकारी दुराचारी हुआ, माता पिता को दुख देने लगा, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, उड़ाने लगा, माता पिता दुखी हो गए। उधर गोकर्ण जो था वह बड़ा ज्ञानी हुआ, तपस्वी हुआ, माता पिता का आज्ञाकारी हुआ, इतना ज्ञानवान था। और गोकर्ण ने कहा, जिसने गौ माता के गर्भ से जन्म लिया, वह पिता को कहता, पिताजी किस जंजन में पड़े हुए हो, काल एक दिन आकर के आपको गले से पकड़ लेगा, समय बीत जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यही समय है, अपना जीवन सुधार लो, भगवान की भक्ति करो। तो गोकर्ण ने जब समझाया, उसको ज्ञान की बातें बतलाई, तो वह आत्मदेव था, गंगा तट के किनारे चला गया, वहां जाकर भगवान की भक्ति करने लगा। कहते हैं कि प्रातः काल जो है उसका पाठ प्रारंभ होता, भागवत का पाठ करता, और इस प्रकार सायंकाल को जो है उसका पाठ समाप्त होता, बड़ी बहुत वर्षों तक वह तप करता रहा इस प्रकार से भगवान की साधना, और जंगल से कंदमूल फल लेकर के आकर के जो है वह उससे जो है अपना जीवन निर्वाह करता, क्योंकि घर से इस प्रकार से इतना दुखी हो गया धुंधुकारी से, कि धुंधुकारी जानता कि धन कारण से जो है धन के कारण से और उनको मारने पीटने भी लग पड़ा। तब जो था अब वहां तपस्या करते करते कहते हैं परमपिता परमात्मा जो है उस पर प्रसन्न हुए उसकी भक्ति से, ऐसी भक्ति हुई कि प्रातः काल सायंकाल जो है अब इस संसारिक जीवन को भूल गया, केवल मात्र भगवान के स्मरण है, ऐसी भक्ति थी उसकी जो है भगवान को उस पर दया आई। कहते हैं भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए प्रार्थना परमात्मा के, उसे साक्षात दर्शन हुए। कहते हैं परमात्मा से उस समय वह प्रार्थना उन्होंने की, भगवान से प्रभु से कहते हैं कि मुझे अब जो है आपके चरणों में आना है, प्रभु मुझे आपके चरणों में आना है। परमात्मा को दया आई और इस प्रकार से प्रभु आत्मदेव को जो है उठाते हैं और उस जीव को जो है अपने गले से लगा लेते हैं, ये भक्ति का फल है, गले से लगा लेते हैं, इस प्रकार से अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, आत्मदेव को जो है आत्मा परमात्मा का जो है मिलन हुआ, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। इस प्रकार से भगवान के जो है भगवान के आश्रय जाते हैं, भगवान जो है वह भगवान को हो जाते हैं, जो भगवान के शरणगत हो जाते हैं वह भगवान को हो जाते हैं, आत्मदेव जो है कृतार्थ हुए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार से वह पर मोक्ष को प्राप्त होगी। उधर जो था वह धुंधुकार जो है वह तो बुराई के रास्ते पर चल रहा था, और उसका भाई जो है गोकर्ण जो था उसने देखा घर में जो कला क्लेश है जो ठीक नहीं, मुझे तो अपना आपको जो है मैंने तो अपना परलोक सुधारना है, वह भी तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। बहुत समय के उपरांत जब वापस लौटा तो धुंधुकार जो था वह तो जब दंड समाप्त हो गया तो चोरी करने लग पड़ा। चोरी करते करते कुछ वेश्या जो थी उसके संगी साथी बनी हुई थी, उनने विचार किया ये तो चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा, हमें भी जो है फंस जाएंगे, इसलिए क्यों ना जो है इसका धन जो है ये सारा हम ले करके इसको इसकी जीवन समाप्त कर दें। तो उन्होंने मिल करके उसका जीवन समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अब जो है धुंधुकार की मृत्यु होगी। कुछ समय के बाद जो गोकर्ण जब वापस लौटा अपने उस घर में और रात्रि को सोया, तब जो ही वह गोकर्ण जो था रोने लगा, शरीर तो रहा नहीं, आत्मा बिना शरीर के है और प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है। तब जो है उसने कहा, मंत्र उच्चारण किया, जल छिड़का, तो पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा मैं तेरा भाई हूं, तेरा भाई हूं धुंधुकारी, मुझे इस प्रकार से मेरी जो है अवगति हुई है, मेरी मृत्यु हो चुकी है, कोई उपाय कीजिए,
मैं भूखा प्यासा रहता हूँ, बहुत भूख लगती है, खा नहीं पाता हूँ, प्यास लगती, जल नहीं पी पाता, प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूँ। तो उसने कहा अभी तू चला जा, प्रातः काल मैं कुछ सोचूंगा। प्रातल कहते हैं कि गोकर्ण ने भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की, कहते भगवान सूर्य नारायण को उनको दर्शन हुए, उनसे पूछा महाराज मेरा भाई जो है जब गोदी को प्राप्त हो चुके हैं, मैं क्या करूं जिससे मेरे भाई की सदगति हो। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि आप जो है भागवत कथा सुनाए। तो इस प्रकार से भागवत कथा सुनाने से जो है वह सदगति को प्राप्त हुआ। सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही मनुष्य जो है सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और जो भी उसकी मनोवलक्षित कामना होती है वह सब पूर्ण होती है, रोगों का नाश होते ही, कष्ट दूर होते ही, सुख की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, माँ भगवती के शरणागत होकर के इस कल्याणमय देवी की आराधना, माँ की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री मनिंद्र से माँ के चरणों भजन प्रस्तुत करेंगे, आपसे भक्तों से कीर्तन सहयोग देना से मिलकर बुला ताली जाते हुए श्री मनिंद्र जी। जय करोता देकार ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੀ ਅੰਮੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੀ ਅੰਮੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੀ ਅੰਮੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ताली सभी हाथ खोल कर लगा मिले, ताली नहीं, ताली की आवाज माया के दरबार तक पहुंच गई। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माया के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादे पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਵਣ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਵਣ ਹੋ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਗਾਵਣ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਗਾਵਣ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ ਭਵਾਨੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ माता रानी आधवानी माता रानी आधवानी ओ बिगड़े काम सवारे जोता दे लिशकार नी अम्मीए जोता दे लिशकारे जोता दे लिशकार नी अम्मीए जोता दे लिशकारे जोता दे लिशकार नी अम्मीए जोता दे लिशकारे ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਲਾਹੀ ਤੱਕਿਆ ਕਵਰ ਰਾਜੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਬੱਜਣ ਢੋਲ ਤੇ ਪਾਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਬੱਜਣ ਢੋਲ ਤੇ ਪਾਜੇ
नच नच ढोल बजावे नच नच ढोल बजावे टोली नच नच ढोल बजावे नच नच ढोल बजावे नचन चन सितारे जोता दे लिशकार नियमिए जोता दे लिशकारे अलख जगाउंदे कठे हो के भगत मियादे दर ते अलख जगाउंदे ओ खैरा मंगदे मैया कोलो जो मंगदे सो पाउंदे ओ खैरा मंगदे मैया कोलो जो मंगदे सो पाउंदे जोता चो खुशबू है आउंदी जोता चो खुशबू है आउंदी ओ जोता चो खुशबू है आउंदी जोता चो खुशबू है आउंदी कहते लोकी सारे जोता दे लिशकार नियमिए जोता दे लिशकार है जोता दे लिशकार नियमिए जोता दे लिशकार जगमग जोत दी चर्चा कुल दुनिया बिच होवे जगमग जगमग जोत दी चर्चा कुल दुनिया बिच होवे हां सुल्तानपुरी भी अपने दुखड़े मादे अके रोवे सुल्तानपुरी भी अपने दुखड़े मादे अके रोवे मां गुफा दे अंदर मादी ज्योति गुफा दे अंदर मादी ज्योति ओ गुफा दे अंदर मादी ज्योति गुफा दे अंदर मादी ज्योति सुंदर रूप निहारे जोता दे लिशकार नियमिए जोता दे लिशकार जोता दे लिशकार नियमिए जोता दे लिशकार ओ जोता दे लिशकार नियमिए जयकारा शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय तभी मुझे प्रसंग शेरू जी जयकारा मेरी शेरावाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय कि मैं मुखड़ तो नजर हटावा हो कि मैं मुखड़ तो नजर हटावा मां तेरे जेहा होर कोई ना दिल करदा है कि जावा तो तेरे जेहा होर कोई ना मां तो तेरे जेहा होर कोई ना ये मुखड़े तो नजर हटावा ये तेरे जेहा होर कोई ना तो नजर हटावा के तेरे जहा होर कोई ना दिल करदा देखी जावा
कोई ना दिल करदाए देखी जावा तेरे जह होर कोई ना तेरे जह होर कोई ना किवे मुखड़े तो नजर आता तेरे जह होर कोई ना तो नजर हटावा तेरे देह होर कोई ना करा मेरी शेरां वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जय कर शेरां वाली बोल सच्चे दरबार की जय है मां करो विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे है मां करो तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे है माँ करूँ विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे अरदास यही बिगड़े काज बना दे ओ दास
अरदास करे अरदास यही बिगड़े काज बना देगा तेरी कृपा दे हट जाए अब जान के द्वारे भर दे ऐ मां करूं विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे ऐ मां करूं विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे दुख आए ना मन में तपते जीवन को निर्मल छाया देती ओ दुख में तपते जीवन को निर्मल छाया देती बिन बोले ही माँ मेरी हर चिंता हर लेती बिन बोले ही माँ मेरी हर चिंता हर लेती है मैं भी तेरे दर पर आया कृपा मुझ पर कर दे मैं माँ करूँ विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे मैं माँ करूँ विनती तुझसे घर को मेरे सुख से भर दे सुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दुख आए ना मन में नारायण ऐसा भर दे श्री रामानी बोल सच्चे दरबार की जय स्वरगण भेन मृदंग शंख देरन नादेर पजियमान कोलाहल कलित वस्तु विद्या धर नृत्य कला सुखाय सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यकर्मी ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो आप उत्तरोत्तर उन्नशील हो उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें आपकी दीर्घायु करें आपके कारोबार वृद्धि करें सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतति भवन भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भवन भवे भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य द्रवदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ
शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां देहस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं भूपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम तो निश दिन तो मैया जी को निश दिन जावत
अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी, मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता जी, संभल बोलो जय माता जी, 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 जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, समर्पित के बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्य, देहि सौभाग्यम आरोग्य, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दिशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय त्रिपुरा शारदा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, माया कृपा जो सक गरी जो चला
सचिया जोता भाली माता तेरी सदा पंच फूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला चंद भाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्वांति देने वाली माता तेरी सदा गुना चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मुक्तिहीन मुक्तिहीन सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।